आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो आप जाके फॉर्म भर दीजिए। उसके पेज क्वालिफिकेशन के बारे में हमने वीडियो बना दिया था, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको पेज क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमने आपको उस वीडियो में दे दी थी। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सिलेबस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर जनरल 2021 आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसमें दो चरण में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है। पहले चरण का जो एग्जाम होगा फेज वन ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, सिंगल पेपर होगा और ये 6 मार्च को रहेगा। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको फेज टू एग्जाम यानी मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट इसी एग्जाम के बेस पर किया जाएगा। तो ये आपका 6 मार्च को रहने वाला है और इसमें आपके 4 सेक्शन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका आने वाला है। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनका ही फेज टू एग्जाम रहने वाला है। आपको प्रत्येक टेस्ट में, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या फिर रीजनिंग हो, प्रत्येक टेस्ट में आपको एग्रीगेट मार्क्स सेपरेटली लाने होंगे और उसके बाद आपको ओवरऑल मेरिट में भी आना होगा। इसका जो सिलेबस है वो आपका आईबीपीएस का जो पीओ का एग्जाम होता है उसके लेवल का रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। बात कर लेते हैं फेज टू एग्जाम की। फेज टू एग्जाम जो होगा वो आपका मेन एग्जाम रहने वाला है ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए। बाकी DSIM और DEPR के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे तो। फेज सेकेंड आपका होगा 1 अप्रैल को और इसमें 3 पेपर आपके आने वाले हैं। इसी के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहला पेपर होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू का। इसमें 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 50% रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको टाइप करके वो उनका जवाब देना होगा। 30 मिनट आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, वही 90 मिनट का टाइम मिलेगा टाइप करके जवाब देने के लिए, 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा। 50 मार्क्स रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, 50 रहेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के, टोटल 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। दूसरा पेपर होगा आपका इंग्लिश का, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स को परखा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप ये रहेगा, आपको टाइप करके जवाब देने होंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। वहीं पेपर थर्ड रहेगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50% रहेगा डिस्क्रिप्टिव, यानी आधा आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 ऑप्शन वाला, 5 ऑप्शन वाला, वहीं दूसरा रहेगा आपका कीबोर्ड से टाइप करने वाला। पहले पार्ट के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे, वहीं दूसरे पार्ट के लिए 90 मिनट मिलेंगे, टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 50-50 मार्क्स का इसमें वेटेज रहने वाला है। और जो पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है ये, इसमें 30-30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 30 मिनट में आपको करने होंगे, 50 नंबर के ये रहेंगे। तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको करना है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड में, और 50-50 मार्क्स के रहने वाले हैं, वहीं 50-50 मार्क्स के रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वहां पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर के रहेंगे, कुछ रहेंगे 1 नंबर के। डिस्क्रिप्टिव आपका जो पेपर रहेगा वहां पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उनमें से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जिनमें से 2 सवाल आपके होंगे 15-15 नंबर के, वहीं 2 रहेंगे 10-10 नंबर के। इस प्रकार आपके 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन के जवाब आपको देने होंगे। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, इंग्लिश के टेस्ट को छोड़कर। ये तीनों पेपर जो हैं, यानी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, पेपर फर्स्ट जो है वो सोशल और इकोनॉमिक इश्यू का रहेगा, दूसरा जो इंग्लिश वाला है, और तीसरा जो आपका पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, उसको क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू है वो आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है। इंटरव्यू से पहले आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा, लेकिन इसके बेस पर ही आपके इंटरव्यू के मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। आपके फाइनल सिलेक्शन में ये बहुत योगदान रहता है इसका। फेज सेकंड का जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है, पेपर फर्स्ट हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सवाल आएंगे, जिसमें ग्रोथ का मेजरमेंट, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये आपसे पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी के सवाल आएंगे, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सोशल स्ट्रक्चर जैसे मल्टी कल्चर, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, साथ ही जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज, सोशल मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर्स इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सवाल आएंगे। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर प्रभाव, इंडियन इकोनॉमी का दुनिया के लिए खुलना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, इनके सवाल आएंगे। साथ ही इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री और उसके बाद 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो, साथ ही
यूनियन बजट, इंडियन मनी, फाइनेंशियल मार्केट, इनसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही भारत की कृषि से सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी उमा कपिला, इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देवराज रॉय, सोशियोलॉजी बाई सी एन शेखर राव, पब्लिक फाइनेंस बाई के एंडले एंड सुंदरम, न्यूज़पेपर जिसमें मिंट और बिजनेस लाइन है, साथ ही मैगजीन्स, बुलेटिन्स, आरबीआई बुलेटिन, ईपीडब्ल्यू, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ये सब पढ़ेंगे तो आपको फायदा रहेगा। जो पेपर सेकंड है वो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का रहेगा, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स को परखा जाएगा, आपके एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग को परखा जाएगा। तीसरा पेपर आपका होगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम्स, रेगुलेटर्स ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साथ ही आरबीआई के फंक्शंस, कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड कंसर्न्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, इनका योगदान, इनके क्या कार्य होते हैं। 2007-08 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसका क्या प्रभाव भारतीय इकोनॉमी पर पड़ा, फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स। इसके अलावा जनरल टॉपिक जो होते हैं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही जूनियर बजट के सवाल आएंगे, महंगाई के सवाल आएंगे और फाइनेंस टेक के सवाल आएंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके अलावा लीडरशिप कॉन्सेप्ट थ्योरीज मैनेजमेंट के संबंध में, और आपसे पूछा जाएगा एथिक्स एट वर्कप्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कम्युनिकेशन के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इतना आपका आने वाला है, काफी बड़ा सिलेबस है और आप एक बार खुद ये सिलेबस देखकर एक बार अध्ययन कर लें ढंग से, उसके बाद जो सजेस्टेड रीडिंग रही है उनमें से चूज कर लें आपके लिए कौन सी सही रहेगी, उसके बेस पर आप तैयारी करें, हमें उम्मीद है आपका सिलेक्शन होगा। साथियों ये थी जानकारी आरबीआई ऑफिसर्स गेट बी जनरल एग्जाम 2021 के सिलेबस के बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।